माँ कौन है? माँ वो रिश्ता है जो आपकी पैदाइश से 9 माह पहले बन गया था। कोई और रिश्ता ऐसे नहीं बना, आप पैदा नहीं हुए थे, 9 माह पहले इसका रिश्ता आपसे बन गया था। और जजकी के दौरान, ये जो 40 हफ्ते होते हैं इंसान में, इस दौरान कितनी दर्द होती है, कितनी नई बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर स्पाइक कर जाता है, शुगर बढ़ जाती है, वॉमिट होती है, नाउजिया होता है, कितनी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन इसने दर्द दूर करने वाली दवाई नहीं खाई, नहीं पेन किलर खाई, एंटीबायोटिक भी नहीं ली। क्यों? मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। ये जो गिरने लगती थी ना, पेट के बल नहीं गिरती थी, साइड पे गिरती थी, कॉलर बोन तोड़वा लेती थी अपनी, लेकिन आपको नुकसान नहीं होती, होने देती थी। और जब पहली बार आपने जिस्म में टांग मारी थी इसके, कितना खुश हुई थी ये कि ये अंदर मौजूद है, आपको महसूस किया करती थी। और फिर सारों ने जिंदगी में आपकी शक्ल को देख के प्यार किया है। फोटो आएगी तब वो कहते हैं रिकमेंड करेंगे। शक्ल को देख के प्यार किया आपकी सबने, और इसने बगैर देखे अपनी जिंदगी आप पे निछावर कर दी। इसने तो देखा नहीं था कौन आने वाला है। इसकी पसंद के खाने छूट गए, नींद नहीं आती थी इसको। और जब जजकी के दौरान जब लेबर पेन्स हो रही थी, एक तहकीक के मुताबिक हड्डियों के टूटने जैसी दर्द होती है उस वक्त, जैसे हड्डियां टूट रही हो। और जब हो गया उसके बाद उसने क्या अपनी खबर लिया, क्या कहा, कहा कैसा है वो, ठीक है ना? और जब उसके सीने के साथ लगा वो बिल्कुल ही भूल गए क्या हुआ था। कमाल है यार, कमाल है। और देखो अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। ये भी ऐप छुपाती है, बाप घर से निकाल दे पिछला दरवाजा खोल देती है, बाप का खाना नहीं देना इसको, अपने हिस्से का दे देती है। और ऐसे आपकी, आपने जो गलती की होती है उसको ऐसे मुलम्मा लगाती है, ऐसी बैंडेज लगाती है, बाप भी मुतमईन हो जाता है और आप हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया, क्या सलाहियत है ये।